ना करूँ जा कर ले अकेली आ गया। हल्दी डाल दी उसमें। क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो रहा है तू, हैं क्यों चिल्ला रहा है तू दीदी पे? होमवर्क के ऊपर हो रहा है। किसके होमवर्क? होमवर्क वो होमवर्क की कह रहा हूँ, करना रही है। करा ना बेटा तुम्हें उसकी थोड़ो सो कर तो दिया है ना। अच्छा जब अभी दस दिन पड़े हैं, मैं कह रही थी पेज भी करूंगी तो भी हो जाएगा, इसे चाहिए मैं एक दिन में। एक दिन में खत्म कर तो भाई एक दिन में खत्म। खुद से तो कुछ होना रहा, अपना काम कर रहा हूँ। मतलब ये देखो दोस्तों, इससे अब इसका होमवर्क कर रहा है, खुद कर रहा था आराम से, अब थोड़ा सा टाइम कम है ना, अब इसने कही दीदी तू कर दे, अब उससे कह रहा है कितने पेज बच रहे? दो दिन में कर देता मैं। तू कर ले फिर दो दिन में। कितने पेज हैं? है किसे? 30 पेज है, कह रहा अभी दो घंटे में कर। है भाई तो इतना भी जुलम मत करो साहब, मासूम सा बच्चा है, काहे को। दो दिन में 10 पेज ही लिखे हैं बस। हाँ तो दो दिन में और 10 लिख देगी अभी तो। 30 कर लिया है ना। हाँ तो अभी दिन है ना। हाँ है दिन, कुछ दिन ना कर खत्म करवाना तुझे, घर बैठी रही ना करूँ मैं, करना पड़ेगा तुझे। एक तो अपना काम करवा रहा और ऐठ दिखा रहा है, प्यार से मनाने तो हाँ ना करूँ जा कर ले, करना पड़ेगा। ये देख रहा भैया आजकल का जमाना यही है, लटके जोर पर काम हो रहे हैं। है भाई और तू कैसे भाई ही कर रही है, है? मैं की बात पे ही आ रही है। क्या बना रही है? तारीफ कर रही है मैं कि अच्छे बैंगन लाए, तेरी आंख ना थी यो जो दुकान में बैंगन लिया है उठा के, इसमें कीड़े वाला बैंगन है। अरे तो के होगा एक बैंगन आगा तो तू भी तो हम नुई लिया है, तुझे भी बिना देखे भा ले नुई। मगर तूने मेरे को देखा ना था कुछ ना देखा, तू भी ऐसी ही देख, तेरी एक आंख देख कैसी मेरी आंख कौनी। कौनी बते देखी, दस दस देखने गए खूब रात भर के गए मेरे को लेने के, मेरी हिम्मत देख, तू मेरे से डर है पता है। कैसे है? जब तू मुझे देखने गया जब भी 10 बंदे ने लेके गया ठीक है, जब लेके आया मुझे जब भी 200 आदमी ने लेके आया, और मेरे को देख मैं अकेली आ गई 400 की बारात मैं तो चल फिर भी 200 बोले 400 आ गई तो शायद एक ली आ गई अकेली आ गया अकेली अकेली क्या चली जाए यहाँ से कर लगी है। अब ऐसे तू ऐसे बात बता दे बंठन के जा कहाँ रही है? कहाँ बंठन ही साड़ी पहनी है, बंठन ही कहाँ हूँ यो रहे ना बंठन। हाँ अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ ना तुझे इस मारक है साड़ी तो खैर सुंदर है। अब मेरे पैसे कब दोगी? काई के पैसे शगुन के मैंने वो कार्ड है 10 रुपए ले लिए बेटी 21 का कार्ड। अरे हाँ दोस्तों आपको बताना भूल गए, आज हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ गया, हमारा नया फ्रिज, कैसे इसने इसकी पूजा कर दी है ठीक है। और भाई आपको पता ही है बहुत पुराना हो गया था वो, है ना, जंग भी खा गया था उसका, दरवाजा भी निकल जाता था और कूलिंग भी निकल रहा, करंट भी मारने लग गया था, तो इसलिए दोस्तों बड़ी मजबूरी हो गई थी मंगवाना, तो ये आ गया है। हमारी लंबोगनी कब आएगी? हाँ इस अच्छा इसके पैसे मांग रही है तूने एक के, तो ले लियो दो तो दे देंगे भाई। ये मेरे पैसे 21 देना, वो तो कह रहा मुझे देना एक के पैसे, तभी तो 21 मांग रही, 10 ले लियो ना जितना दो कौन ये एक। अच्छा 10 उसका हिस्सा है, 20 मेरे हिस्सा है, 1 रुपया दे ऐसा है 11 ही देना मेरा ही गया वो तुझे 20 का वो लूंगा। बोलो तेरा क्या हिस्सा भाई, लड़के का कौन सा हिस्सा है? मैं तो ये कौन सी लड़की है? मैं है ये कौन सी लड़की है, मुझे तो आ रही है तेरी तो ये तो हद्दी हो गया। ओ बेटी, ओ राधा रानी बेटी, जा वो ओढ़ ले चुन्नी ओढ़ ले, तू अपनी दाढ़ी कटवा ले, मैं तो है ना मुझे तो है दाढ़ी कटवा पास भगवान। ये दोस्तों क्या करूं इनका, क्या करूं मैं तो समझ में आता है, ऐसा लड़ते हैं जैसे बस पूछो मत, चूहा बिल्ली ऐसी लड़ाई करने का। मैंने सब पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे दोनों बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं, पर मैंने बहुत देखे आस पड़ोस में भी हमारे हैं इनकी उम्र के दोनों ऐसी लड़े, बल्कि इनसे भी ज्यादा लड़े, तब से मुझे थोड़ी संतुष्टि यूं मिली कि अभी मेरे बालक ऐसे ना वो तो गाली गलौज भी करे। हाँ तो मतलब मैं थोड़ी संतुष्टि यूं कि ये लड़े हैं तो कोई बात ना, गाली गलौज तो गाली गलौज तो ना करा कम से कम। ऐसे में तो भैया ठीक है बालक की तरह। अरे भैया जो तेरे दांत आया ना अभी तक इगर? कब आए गए हो दोस्तों? इसके दांत टूट रहे हैं और आ नहीं रहे जल्दी से, थोड़ा सा कुछ बताना कमेंट करके। नया दांत लगवा लेंगे इधर। नया एक लगा थूतड़ी पे। नया कभी तेरे तो वो लगवाएंगे। फिर टूटे आने में बात। फिक्स करवा देंगे। साफ है वैसे तो। साफ ना दे। निकला। पागल हो रहे थे ये रहे थे कीरेन के ये दे यो दे। भैया हम देखो जी
अब हम आदमी जा इससे क्या पता चलता कि साहब जी सारा काम पापा ही करता, मम्मी कुछ नहीं करती। ऐसा है बीमारी में भी ना काम करने लग रही हूँ, कोई कह देगा कि मैं बीमार हूँ। देरी मत करा करो काम में, ठीक है? तू तो वैसे कई काम का ही ना है, मतलब प्यार ते करे ना तो सर पे नाचे है। और बेटा गुड्डा मेरे छोटे से गुड्डा के संग हो रहा, कान छिदवा दिए वैसे दोस्तों इसके, इसकी मम्मी ने हिम्मत करके, मम्मी ने हिम्मत करके नहीं मैं जिद करके। ओ सोरिया छेड़ियो मत, बिल्कुल मजाक में भी मारूंगा सोरिया, मत कर इसमें दर्द लग रहा है, तेरे हाथ लग रहा है ना इस मार दर्द में। तो मम्मी ने छिदवा तो दिया ना अपने पास बैठा के तुझे, पास बैठा के तो ये तो दुकान के बाहर चली गई थी, दुकान के बाहर खूब बैठा देखू। अच्छा बहादुर अपने आप में, सुई सुई मेरा जी ऊपर कहा है, मेरा जी ऊपर एक हासू एक हासू, ये दुकान से बाहर निकल गई तो अकेली अंदर। हाँ यहाँ से तो नुकारी, अरे कुछ ना हुआ कुछ ना हुआ, वहाँ जाके ये कभी कुछ ना कहती है, वहाँ जाके भी कह रही दर्द होएगा, अब बड़ी हो गई है ना और डरा रही, वो खाल पक्की हो गई, वो मेरे कान के खाल जो है जो कभी दाया भी बच्ची जैसी ही है। मतलब ए, एक बात बता तू वहाँ पे इसे और डरा रही थी, तू डरा खा रही थी, मतलब तू कह रही के वो होएगा वो होएगा, ये जम भी गई देखा फ्रिज में ना बर्फ नहीं जमती थी, अब नया आया ना ये बर्फ जमा रहे हैं। इनका एक्चुअली में एक प्लान क्या है मैं बताता हूँ, ये है आइसक्रीम जमाने का, ठीक है? तो ये टेस्टिंग कर रहे थे कि उस फ्रिज में तो पापा जमती नहीं थी हमारी क्योंकि वो खराब था, और इसमें जम जाती जमेगी या नहीं, और अब जम गई है तो इनके मन में लड्डू फूट रहा है। ओए थप्पड़ खाए थे अभी गिरता फिर, तू पागल है क्या? मेरे जब दुखा हो रहा है क्यों कर रहा है सूर्या, तू कह रहा है एक बार अब डाल रहा, देख ले उसके कमर में मैं मारूं खींच के, ये होना मान ले ऐसा ही है, मत कर सूर्या, सूर्याशी तू उसे बर्फ रख दे। हाँ निकाल, हाँ तो तू काहे को ने छेड़ लग रही है देख लो से, अब ये सुर सुर मचान लग रही है, दो दिन की बनी डोले जाए हमेशा। कल ओरियो लेके आना, ओरियो क्या आइसक्रीम जब आएंगे, मेरे बचपन का सपना। अब तेरे जुखाम होगा अब दो साल बाद, निकालने दे तू, मैंने उसे ट्रे मत तोड़ देना, कोई सुनता ही नहीं है, मेरे कोई जुखाम नहीं है, वो थोड़ी सी वैसे बह रही है ना, कभी ठंडा मौसम ज्यादा कर दिया है। ओ आप तुझे ठंडे मौसम से भी दिक्कत है, पहले गर्मी में कह रही थी कि गर्म हो गया, तेज पे है ना हाथ में रख दे ये अधूरी बर्फ रहे ना काट दे ये, और क्या? हाँ तो वहीं रख दे साइड में, अपने आप पिघल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी, वरना हाथ में लग जाएगी। अरे ये फन फ्लिप्स ना खाए, अरे इससे तो फिर हम बर्फ का गोला भी जमा सकते हैं ना, कुछ भी जमा, कलर ये तो खाएंगे ना, आम खा लिए तुम क्योंकि मैं इनके भरोसे छोड़ा, तुमने पिलपिले कर दी होंगी ना, सही बोल ना कि पिलपिले कर दिए, अब आम खाओ आम खाओ, चार दिन से कह रहा हूँ अगर ना खा रहे तो मुझे दे दो, अब वे पिलपिले हो गए, अब तुम्हारे थोड़े ना चलेंगे चैन में, तो खा ले ना बाबू, तो पिलपिले खा ले है ना, हमारे घर में जो चीज पिलपिली हो जाए खराब सी हो जाए वो सब पापा दीदी को डाल लेते हैं, सब पापा के पेट में जाती है, पापा के पेट में नू जावे ना पापा खा लेते हैं, अब तुम सत्यानाश कर दो चीजन का, तो और तेरी मम्मी नहीं करती, मम्मी करती है, मैं तो खाऊ ही ना, तो खाओ ही खाओ, ऐसी शक्ति वाली चीज़ है, तो खाए नहीं ये फंसी है, हाथ में लगी क्या ना, तू इधर को आ जा भैया, चलो दोस्तों दोस्तों ये तो करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है? हाँ क्या दिखा, अब तू क्यों भर रहा है, क्यों कर रहा है तू, इसमें हल्दी डाल के जमाएंगे, खराब करे फिर देखो तो ना, क्या साइंटिस्ट गिरी कर रहा है, हल्दी डाल दी उसमें बताओ, अंदर कलर हो जाएगा पानी में, अभी नया फ्रिज है तो मैं छोड़ दूंगी तेरे को, क्या होगा जब ही तो फ्रिज माइक्रोवेव थोड़ी है, जो फूंक देगा एक्सपेरिमेंट ऐसे बच्चे ग्लास के अंदर पानी रख के उसमें बल जमाएंगे, बर्फ का गोला बड़ा वाला,
ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बताओ हल्दी का आइस क्यूब जमा रहे हैं, हल्दी की आइस क्यूब खोल इसे पकड़े, हल्दी की आइस क्यूब जमा रहा है, बताए एक में भरा है, सब में भर दिया, तीन में ही भरा है, अब पानी सब में भरा है, पानी तो पानी दिखा रहा था, पीला पीला हो जाएगा, तो मुझे भी पता है, कोई नहीं कलर आ जाएगा, पीली बस ऐसी